नमस्कार, बेगूसराय टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। कोरोना वायरस महामारी के इस संकट में जहां केंद्र एवं राज्य सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसी क्रम में प्रवासी मजदूरों का एक जत्था जिसका मालवाहक ट्रेन से कटकर दर्जनों मजदूरों की मौत हो जाती है, बावजूद इसके सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसी बीच जहानाबाद और गोपालगंज से ट्रेन के पटरी के रास्ते दर्जनों प्रवासी मजदूर अपने घर साहिबगंज बंगाल लौट रहे थे। उसी रास्ते में रात लगभग 9 बजे अकबर नगर स्टेशन से गुजर रहे थे। ये खबर बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु तक पहुंची। हिमांशु ने तत्काल अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर उन प्रवासी मजदूरों की शोध ली। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वह 6 दिन की दूरी तय करते हुए अकबर नगर स्टेशन तक पहुंचे हैं। हम लोगों को किसी भी स्टेशन पर रुकने नहीं दिया जाता है। 6 दिन से पका हुआ भोजन नसीब नहीं हुआ। तब हिमांशु ने कहा कि आपको खाने की क्या इच्छा करता है, तो उन्होंने बताया कि बहुत दिन से चावल दाल नहीं खाया है। तब डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने उन प्रवासी मजदूरों के लिए चावल दाल सब्जी आदि की व्यवस्था कर उन्हें भोजन कराया एवं चाय पिलाया। हिमांशु ने यह भी कहा कि जहां केंद्र और राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सरकार को भी चाहिए कि प्रवासी मजदूरों को ट्रेन या बस की व्यवस्था कर उनके घर तक पहुंचाया जाए एवं उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। इस कार्यक्रम में सुमन कुमार सुमन, अजित कुमार समेत अन्य लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। राय टुडे के लिए भागलपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। जब मृत्यु हो गई है, कोरोना से कम लेकिन भूख से, एक्सीडेंट से लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। सरकार असंवेदनशील है, सरकार को मानवता नाम का कोई चीज नहीं है। ट्रंप को स्वागत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को खुला रखा। आज अगर मोदी सरकार ये सजग रहती तो ये जो है इतनी बड़ी घटना जो आज कोरोना से हमारा पूरा देश प्रभावित हो रहा है ये नहीं होता। आज देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन ये मजदूर लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई दिल्ली से पैदल जा रहे हैं, ये लोग औरंगाबाद से गोपालगंज से पैदल साहिबगंज जा रहे हैं। आश्चर्य वाली बात है, ये 6ठा दिन ये लोग पैदल चल रहे हैं। प्रशासन के लोग कहाँ हैं? ये पूरे सभी जगह से चंदा इकट्ठा हो रहा है, चंदा दो, MP दिया, MLA दिया, जनता दिया, लेकिन वो चंदा कहाँ? ये लोग को सुविधा के नाम पर ये लोग को नदारत है। हम लोग सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अविलंब मांग करते हैं। बिहार के जितने मजदूर फंसे हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, पांडिचेरी हो, जहां भी फंसे हुए हैं, सबको अविलंब घर पहुंचाने का वो कृपा करें, अन्यथा नहीं तो ये देश बहुत भयावह स्थिति के दौर से